साल की 24 अक्टूबर को जगत जननी माँ मेंगीबा जी का निर्वाण दिवस है। विश्व विख्यात श्री आसाराम जी बापू को बचपन से ही असाधारण प्रतिभावान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बापू जी की माता माँ मेंगीबा जी का ही रहा है। ऐसी जगत जननी माँ को हम सबका हजारों बार प्रणाम। मेरी माँ 86 साल की थी, डॉक्टरों का ऐसा है वैसा है, अब 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती। उसने ऐसी दवाइयाँ बवाइयाँ करी थी, सत्संग नहीं था, मुझे भी पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो लीवर खलास हो गया, किडनी में भी प्रॉब्लम है, फलाना है। अब 86 साल उम्र है, अब तो ये 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जिएगी। एक घंटा बाकी रहा, मेरे वैद्य ने जाकर नाड़ी देखी तो बोला नाड़ी विपरीत चल रही है माताजी, एक घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती। मैं गया महिला आश्रम में तो मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, मेरे में बड़ी श्रद्धा रखती थी। अपने बेटे को जिसको खिलाया पिलाया, नाक पहुँची, शरीर के गंदे अंग पहुँचे, उस बेटे में ईश्वर बुद्धि करना या भगवत बुद्धि करना, गुरु बुद्धि करना, ये धरती की माइयों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। 9 लाख वर्ष पहले एक माँ ने अपने बेटे में ईश्वर को देखा और ईश्वर का साक्षात्कार किया। वो माँ थी देवहूति और बेटा था कपिल। कपिल मुनि में गुरु बुद्धि भगवत बुद्धि रखकर, जैसे देवहूति माता ज्ञान को और शांति को उपलब्ध हुई, वैसे ही मेरी माता मेरे में गुरु बुद्धि रखती थी। कोई बोलता माँ ये दही, बोले साईं ने मना किया है। ये मक्का का डोडा, बोले बापू ने एक बार ना बोला था, नहीं खाऊंगी, इतना आदर रखती थी। तो ऐसी माँ को मैं देखने गया तो मेरे को हाथ जोड़कर बोलती कि प्रभु अब मुझे जाने दो। हालांकि मैं प्रभु उनके आगे नहीं हूँ, उनका तो बेटा हूँ, फिर भी उनकी ऐसी भावना थी तो मैं उनकी शुद्ध भावना का मैंने फायदा उठाया। मैंने कहा नहीं जाने दूंगा। तो बोले ऐसा ऐसा होगा, पीड़ा बहुत थी, बोल भी नहीं सकती थी ठीक से। मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ। मैंने मंत्र दिया, उसने श्रद्धा से जपा। आप सभी लोगों को पता है कि वो एक घंटे के बाद शरीर रिकवर होने लगा। एक महीने के बाद वे बड़े बड़े डॉक्टर दंग रह गए। अमेरिका का पीसी पटेल ये आश्चर्य देखने के लिए आता था साल में 2 बार, महिला आश्रम में जाने की मेरे से आज्ञा लेता था, माँ के दर्शन करूँ। मैं क्या दर्शन नहीं, तुम देखते हो कि लीवर कैसे ठीक हुआ, किडनी कैसे ठीक, बोलो दर्शन के बहाने तुमको जरा संदेह। बोले बापू जी सच्ची बात है। तो उसने जप किया और फिर डॉक्टर बोले माँ तुम तो मरने वाली थी। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं मरूंगी, मरना हो तो तुम मरो, मेरे को तो बापू जी का मंत्र है। और उनकी लीवर और किडनी, कुछ आयुर्वेदिक आहार व्यवहार और कुछ मंत्र जाप और कुछ भगवान की कृपा का, कुछ नहीं पूरी भगवान की कृपा, कुछ कुछ चीज़ों का उपयोग और भगवान की कृपा का सहयोग मिला, वो स्वस्थ रही। और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 25 महीना नहीं 50 महीना लोगों ने देखा वो स्वस्थ रही। 60 महीने हो गए, 62 महीने हो गए, 65 महीने हो गए और अंतिम में जब 72 महीने, 6 साल, तो 86 से 92 पूरे कर दिए और 93 में प्रवेश किया। और जिस समय जिन दिनों में मेरे गुरुजी जाने थे वही तिथि और तारीख नवंबर की, नवंबर का मास, वही 4 नवंबर होगा। मेरे गुरुजी गए थे 4 नवंबर को, बस उन्हीं दिनों में, फिर वो महीने तो तिथि के अनुसार बदलते रहते हैं। 3 साल में एक पुरुषोत्तम मास आता है तो दिन तिथियां बदलते हैं। लेकिन वो माँ आश्रम में, दिल्ली आश्रम में एकांत में सुबह के समय वो माँ शरीर छोड़ा, बीमार होकर नहीं, हॉस्पिटल में रिभा कर नहीं, इंजेक्शन भुकवाते हुए नहीं, भगवत चिंतन में उसने शरीर छोड़ा।